जुहू मोरा गांव में बीते दिनों में हुई तोड़क कार्यवाही के दौरान दलित महिलाओं के साथ हुई बदसूली को लेकर यहां की दलित महिलाओं ने समय नेशनल से मदद की गुहार लगाई है। हम आपको बता दें कि इन दलित महिलाओं ने जुहू पुलिस स्टेशन के एपीआई सुधाकर कोरे और अन्य पुलिस अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप किया है कि पुरुष पुलिस कर्मचारियों ने महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट की। इसलिए यहाँ की दलित महिलाओं ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वो दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं दलित महिलाओं का क्या कहना है। मेरा नाम सुनीता राजू खटिक है और 24 मई 2016 को यहाँ पर डेमोनेशन के लिए बीएमसी वाले आए थे, तो उनसे हम लोग ने सवाल जवाब किया कि आप लोग क्या हुआ, क्या किस लिए आए। बोलते हम लोग यहाँ पर डेमोनेशन करने के लिए आए हैं। भाई ने उनसे पूछा कि आप डेमोनेशन का पेपर ऑर्डर बताइए, तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पेपर्स आ रहे हैं। तो आर्गूमेंट करते करते उन्हें उसमें से मांजरेकर ने डंडा उठाया, आर्गूमेंट करते करते उनके हाथ पे मार दिया। मांजरेकर बीएमसी वाले एक असिस्टेंट हैं। उसके बाद में आर्गूमेंट होने लगा, तो फिर उतने में मेरे भाई ने पूछा कि यहाँ तोड़ने का ऑर्डर है क्या तुम्हारे पास। वो बोलते हमारा पेपर है, आ रहा है पेपर है। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि ठीक है आप बताओ उसका ऑर्डर बताओ, अगर ऑर्डर आप लेकर आओगे तो ठीक है, आप जो भी आपको करना है आप लीगली करो करके। तो उसने सीधा आर्गूमेंट करते करते मेरे भाई के हाथ पे डंडा मार दिया। तो मैंने बोला, जैसे उसको लगा तो मैं उसको लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए भागने लगी कि लेके जाने लगी। वहाँ तक मैं गई तो सब खिंचम खिंची करने लगे। वहाँ से सुधाकर कोरे ने आया, मेरा बाल पकड़ के मुझे खींच के पटक दिया। आपका कहने का ये मतलब है कि एक पुलिस कर्मचारी ने आप पर हाथ उठाया और मुझे गंदी गंदी गाली दी, मेरे साथ में गंदी गंदी बात की, मेरा कपड़ा खींच के उन्होंने, आपको बताऊंगी फोटोज में है, कपड़ा भी फाड़ दिए और मुझे उठा के फेंक दिया था। उसने बाल पकड़ के मुझे लेकर भी गई सीट के वहाँ और उठा के मुझे पटक दिया, और उस कारण मेरे सर के अंदर ब्लड क्लॉट भी जम गया, जिसके सिटी स्कैन मेरे पास है, रिपोर्ट भी है, मेडिकल भी है, जहाँ जहाँ मुझे मार लगा सब कुछ है। उसकी वजह से मेरे दिमाग में गांठ हो गया है सुधाकर की वजह से। जू पुलिस स्टेशन से लेकर कमिश्नर से लेकर एमएलए से लेकर और पीएम से लेकर डीसीपी से लेकर जहाँ तक जाना चाहिए था हर जगह हम लोग जाकर आए, मगर कहीं से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। डेमोनेशन करते करते पूरा पानी का टैंकर तोड़ने लगे और बच्चों लोग बोलने लगे कि पानी का टैंकर मत तोड़ो करके, और यहाँ पर बोलने लगे हमारा घर मत तोड़ो। अब बच्चों को तो इतना समझ नहीं है कि बीएमसी वाले क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उन लोग बोलने लगे हमारा घर मत तोड़ो, हमारा पानी का टैंकर, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारने लगे, इनको मारा, इसको मारा, बाल पकड़ के मारने लगा, लड़कियों को मारा, मुझे ही मारा, मारपीट करने लगे, इतना तक कि उन्होंने लाठी सख से मारा। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक दलित हूँ, अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हम आगे तक जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, जंतर मंतर में जाएंगे, हम अनशन हड़ताल करेंगे वहाँ पर। समय नेशनल के द्वारा आप लोग से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी पीड़ा है और जो भी हमारी तकलीफ है पीएम मोदी आदरणीय मोदी के पास तक पहुँचाए और हमें हेल्प कीजिए। हम दलित लोग हैं, अगर हमारे तरफ देखिए और हमें हेल्प कीजिए, हमें मदद कीजिए। और समय नेशनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, इनके द्वारा हमें इंसाफ मिले और हमें इंसाफ दिलाए। आज हम लोग यहाँ पे 25 ईयर्स से रह रहे हैं और एज पर रूल हम लोग 95 से रह रहे हैं, तो हमारा पूरा अधिकार है यहाँ पे रहने का। वी आर दलित, तो हम लोगों को एज इन हर चीज़ में बेनिफिट होना चाहिए। एज वी आर दलित, तो हम लोगों को हर चीज़ में नीचे ही दिखाया जाता है और हमें ऊपर नहीं किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें उस चीज़ का जस्टिस मिले और हमें हमारा जो भी है, हमारा जितना भी नुकसान हुआ है, हमें उस चीज़ का रिकवरी मिले।